देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं कनक विश। चले रुक करते हैं खबरों का। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने तमंचे की नोक पर अपनी हवस का शिकार बना डाला और परिवार को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मानपुर गांव की है, जहां एक नाबालिग युवती जंगल में शौच के लिए गई हुई थी। वही जंगल में गांव के ही एक युवक सत्यवीर तमंचा लेकर नाबालिग का पीछा करता हुआ पहुंच गया। पीड़िता कुछ समझ पाती कि इससे पहले आरोपी ने पीड़िता को जमीन पर गिरा दिया। तमंचे के बल पर अपनी मनमानी कर नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना डाला। युवती के शोर मचाने पर खेत पर काम कर रहे पीड़िता के चाचा और ग्रामीण घटना स्थल की ओर भाग लिए। अपने आप को घिरता देख आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। इस बारे में जब क्षेत्र अधिकारी कपिल देव मिश्रा से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। फतेहपुर से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी के हरदोई में एक देवर ने अपनी ही भाभी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी देवर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के गांव बेहटा थीरा का है, जहां साजन की 25 वर्षीय पत्नी लाली की एक सप्ताह पूर्व गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना जैसे पुलिस को मिली तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की तो मामला बेहद चौंका देने वाला निकला। महिला की हत्या उसके ही देवर ने समाज में इज्जत खराब होते देख की थी। पुलिस ने सर्विलांस और अपनी तफ्तीश में आरोपी देवर को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। हरदोई एएसपी पश्चिमी निधि सोनकर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका के मायके के गांव में ही घर के पड़ोस में रहने वाले अमित तिवारी के साथ शादी के पहले से ही मृतका का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो आए दिन उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आया करता था। एक सप्ताह पूर्व भी कुछ ऐसा ही हुआ। मृतक महिला का प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल आया था और तभी मृतका लाली के देवर विकास कुमार ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद प्रेमी अमित को मृतका के देवर और ससुर ने जमकर पीटा और आरोपी ने भी जवाब में उन पर हमला कर दिया, मगर मौके का फायदा उठाकर प्रेमी फरार हो गया। झगड़े के शोर शराबे से विवाहिता महिला की प्रेम कहानी गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद पूरे गांव में तरह तरह की बातें होने लगी और ये बात मृतका के देवर ने गांव समाज में इज्जत खराब होती देख उसी रात अपनी सगी भाभी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। ये बेटा गोकुल के अंतर्गत 21/22 की रात में एक महिला का कत्ल हो गया था। जब इसमें तहकीकात की गई और जांच की गई तो ये जानकारी आई कि ये मृतका जो है ये टड़ियावा की रहने वाली थी, गोपालपुर की, और इसकी शादी यहाँ बेटा धीरा में हुई थी। इसे मिलने के लिए इसका शादी से पहले का एक पूर्व प्रेमी था, अमित नाम का व्यक्ति, जो कि आया करता था और शादी के लगभग 5 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इसका उनसे संपर्क लगातार बना रहा था, जिस पर इसके ससुर और देवर से इसकी मारपीट हुई उस अमित नाम के व्यक्ति की। और मारपीट के बाद चूँकि शोर शराबा हुआ, मोहल्ले के लोग भी काफ़ी इकट्ठा हो गए को गांव में मोहल्ले में बहुत बेइज्जती महसूस हुई कि अब तो सारे लोग जान गए, अभी तक तो घर के अंदर ही ये सब बातें नहीं थी, परंतु जब सड़क पे खुलकर लड़ाई होने लगी तो उसमें सब पूरा गांव के जान जाने के बाद इसने शर्म के कारण अपनी भाभी की, जो कि इसके बड़े भाई की पत्नी थी, उसकी हत्या, इसकी आज गिरफ्तारी करके इसका घटना का अनावरण किया गया है। हरदोई से आशीष कुमार की रिपोर्ट। यूपी के कन्नौज में गैंगरेप पीड़ित छात्रा की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक छात्रा का अपहरण कर बंधक बनाकर अज्ञात दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया था। छात्रा की मौत के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज के छिबरामऊ की चौकी कसावा के ग्राम दलसिंहपुर बलदेव नगला की है, जहां 19 वर्षीय युवती संध्या पुत्री बटेश्वर बीटीसी की छात्रा थी। परिजनों के मुताबिक शाम को वो गांव के शिव मंदिर पर पूजा करने गई थी, उसी समय वहां मौजूद कुछ युवकों ने संध्या का अपहरण कर लिया, जिसके बाद सरसों के खेत में बंधक बनाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। संध्या के देर रात तक वापस न आने पर परिवार के लोगों ने तलाश शुरू की। इसी बीच जब युवक खेत के पास से निकले तो किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। सभी खेत के अंदर गए तो संध्या खेत में बंधक बनी मिली। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा छूटा गया था। परिवार के लोग उसको निजी चिकित्सक के पास ले गए, जिसके बाद वो नगला दिलू के पास एक अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि एक लड़की संध्या यादव, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, जिसको परिजनों द्वारा 100 शैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहरीली चीज उसको खिलाई गई थी,
इस दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर स्थानीय पुलिस गई थी। मृत्यु के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांच की कार्यवाही हो रही है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। कन्नौज से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। यूपी के उन्नाव में सामने आया एक ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला। इज्जत की खातिर पिता ने ही बेटी को जहर देने के बाद टुकड़ों में काट कर दफना दिया और पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मृतका की लाश को बरामद कर लिया है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, जहां उन्नाव पुलिस ने 2 महीने बाद एक युवती के लापता होने का सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें कि माखी थाना क्षेत्र के हिमाचल खेड़ा के रहने वाले राम कुमार की पुत्री गांव के ही रहने वाले एक युवक बउआ पाल से प्रेम करती थी। प्रेम प्रसंग के चलते मृतका अक्सर अपनी प्रेमी से फोन पर बात किया करती थी, जिसको लेकर पिता ने कई बार अपनी बेटी को मना किया था। फोन पर बात करने से न मानने पर पिता ने पहले तो अपनी बेटी की रात में जहर देकर हत्या कर दी और इंसानियत को तार तार करते हुए उसके बाद उसके शव को कई टुकड़ों में काट दिया। अपने इस गुनाह को छिपाने के लिए आरोपी पिता ने अपनी बेटी के शव को टुकड़ों को खेत में अलग अलग जगह दफना दिया। घटना को छिपाने के लिए आरोपी ने अपनी बेटी के अपहरण की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करता रहा और गांव के ही रहने वाले मृतका के प्रेमी बउआ पाल पर अपनी बेटी के अपहरण किए जाने की शिकायत पुलिस में की थी। लेकिन पुलिस को ग्रामीणों से पूछताछ में कुछ अहम बिंदु मिले, जिनमें पूरी शक की सुई पिता के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई, जिसके बाद आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो पूरा मामला निकल कर सामने आ गया। बता दें कि पुलिस ने कलयुगी पिता की निशानदेही मृतका लड़की के शरीर के कुछ अवशेष भी पुलिस ने खुदाई करके बरामद किए हैं, जिसके बाद मिले सभी अवशेषों को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। जो बात सामने आई वो ये थी कि पिता को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी किसी अन्य व्यक्ति से बात करे या कोई संबंध रखे, इसी वजह से पिता ने पुत्री की हत्या कर दी। धारा 302 और 201 के अंतर्गत उनको जेल भेजा गया है। साथ में ही जो पार्ट्स बरामद किए गए हैं उनको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जा रहा है। उन्नाव से पंकज कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पुलिस की अनोखी पहल, अपराध नियंत्रण पर किन्नरों की रहेगी भागीदारी। जल्द ही पुलिस विभाग में किन्नर समाज की भर्ती की जाएगी। अभी तक आपने किन्नर समाज को विवाह समारोह जैसे कार्यक्रम पर बधाई देते सुना होगा या देखा होगा, लेकिन जल्द ही आप छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में खाकीधारी किन्नरों को अपराधियों पर लगाम लगाते देखेंगे, जिसके लिए छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में ट्रांसजेंडर भी अब बन सकेंगे पुलिसकर्मी। आगामी भर्ती में इन्हें दिया जाएगा मौका। पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर को मिलेगा लाभ। आने वाले दिनों में प्रदेश में पुलिस भर्ती होने वाली है, उसमें ट्रांसजेंडर भी हिस्सा ले सकेंगे। ट्रांसजेंडर के अधिकार और समस्याओं को लेकर राजनांदगांव पुलिस लाइन में सेमिनार आयोजित किया गया। प्रदेश के सभी जिलों से कार्यशाला कराई जा रही है ताकि समाज के इस वर्ग को भी आगे लाया जा सके। आमतौर पर ट्रांसजेंडर्स को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कहीं भी उन्हें अधिकार नहीं मिल पाते, इस कारण वो सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे। पुलिस भर्ती में मौका मिलने की जानकारी मिलने के बाद सेमिनार में मौजूद ट्रांसजेंडर्स ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उन्हें ट्रेनिंग प्रदान की जाए ताकि उन्हें कुछ बारीकियां पता चल सके। जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि हर जिले पे एक ट्रांसजेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हो रहा है, जिसका उद्देश्य है कि पुलिस और कम्युनिटी के बीच जो गैप है वो गैप कम हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सामाजिक न्याय मंत्रालय का जो सजेशन है और छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके बारे में कम्युनिटी और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में एक समझदारी और एक तालमेल बैठे। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन जो है वो ट्रांसजेंडरों को पुलिस में अब भर्ती ले रही है, तो उसके लिए किस तरह से पुलिस सहयोग कर सकती है डिस्ट्रिक्ट पे रहने वाले थर्ड जेंडर कम्युनिटी को, तो इसको लेके आज दिन भर का एक वर्कशॉप है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी दोनों बहनों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम सबको, कि हमारे लिए राजनांदगांव जिले पे ये वर्कशॉप आयोजित हुआ है। आज का जो विषय है ये बहुत गंभीर है। आज हमारी उच्चतम न्यायालय भी इसमें एक बिल पास होने वाला है, एक लॉ बनने वाला है कि जो ट्रांसजेंडर है उनको भी एक समान दर्जा मिले, सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ उनको जीने का अधिकार मिले। इसी संबंध में यहाँ कार्यशाला आयोजित की गई है उनके अधिकारों से संबंधित, कि उनको क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन फ्यूचर में उनके लिए जो भी दिक्कतें आती हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है, इस विषय में आज कार्यशाला आयोजित की गई है। थर्ड जेंडर के राइट्स के क्रियान्वयन के वो लेकर के पुलिस विभाग द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी एवं विवेचक और जुडिशरी से जजेस और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के उनके वेलफेयर बोर्ड के सदस्य और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अन्य कुछ लोग, इन लोगों के साथ मिलकर के कार्यशाला आज आयोजित की गई है, जिसमें जो भी अधिकार
संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं, आर्टिकल 14 हो या आर्टिकल 21 हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उनके राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए जो जिम्मेदारी पुलिस की, प्रशासन की एवं समस्त विभागों की है, उसको लेकर के एक सेंसिटाइजेशन के लिए वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें उस पर चर्चा परिचर्चा होगी। किसी प्रकार की यदि शंकाएं विवेचकों को होती कार्रवाई में, तो उनका समाधान किया जाएगा। और जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के सदस्य हैं, उन लोग भी अपनी तरफ से अपना प्रेजेंटेशन इसमें देंगे। राजनांदगांव से सनी वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।